सिंध यूनिवर्सिटी एनटीएस टेस्ट पास उस्ताद सतन सालन का वठी मुसलसल एतजाज करे रहा है। यूनिवर्सिटी टेस्ट पास कई 2010 में उन इदारे जो कमीशन पास उस्ताद आयूं असा के सत साल गुजरण बावजूद पको नथो कयो वञे जडे त सिंध असेंबली ब दफ़ा बिल में पास कई है उनमें उन्होंने बिल के भी अहमियत नथो दिनो वञे तो इन जे असो पुरजोर मुतालबो यो आ रेगुलर किया वे रेगुलर करण से तक जे मराहत जो रहल उ मिलन असो जीपी फंड नी कटी वे उ सत साल जो ठे तो वो डिनी वे शुरुआत का वे असो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का रेगुलर कर टाइम स्केल दिनों वे जी अपग्रेडेशन क्लार्कन की थी असो दिनों वे सिंध यूनिवर्सिटी पारा टेस्ट वरती हुई जैमें मेरिट तहत ही 900 उस्ताद असाजे जिले में पास थे उन्होंने ऑफर आर्डर दिना वह ज्वाइनिंग आर्डर दिना वह जिन में वाजे तौर पर लिखल हो तो 3 साल में तवाजी रेपुटेशन ऐसी तवे रेगुलर किया वो उस्ताद मुस्तकिल ड्यूटू कर रहा है हिंसर बायोमेट्रिक जो अमल भी उनकी तस्दीक करे तो पर ही सरासर साईं फिदा साहब तो हि बेगार वाले तरीके से कम वरतो तो वे उन्होंने उस्ताद जहाँ जीपी फंड कटिया था वन इन विच में जैसे कें भी आगाही हादसे में को उस्ताद ही दुनिया में हलो तो वे तो उनके लिए सरकारी मराहत उनके खानदान के लिए का भी शै को असाजे सिंध जो कानून है असाजे मुल्क जो रियासती कानून है तो असेंबली जो बिल पास कर उन अमल किया वो छो जो वे चूंडियल नुमाइंदन ब दफ़ा सिंध असेंबली में ये बिल पास किया उस्ताद के रेगुलर किया वे इत हिंसर तलीमी एमरजेंसी लागू है नवा उस्ताद की वही खोट बुधाई थी वे जैसे नवा उस्ताद तुम भर्ती कंदा था वो तो तुम के रेगुलर छो ना कर उन बेगार में कम छो तो वरतो वे हि उस्ताद सब जहनी तौर पर पर इन असाजे तलीमी अमल से वो असर पव जैसे तलीमी इमरजेंसी है तो उनके मकसद यो है असेंगे तलीम की तरक्की लाई कुछ करो तलीम की तरक्की लाई इो ही है तो जे तलीम से वाबस्ता मून पे तो उन्होंने उन्होंने मुकम्मल हक दिना वन हि बुनियादी तौर पर राइट है जो मुलाजिम 3 साल मथे कम कर चुको है रेगुलर थे उनको हक है बुनियादी हक है हाँ 3 साल में रेगुलर करो उन 6 साल गुजरी वह असेंबली बिल पास कर चुकी सो हाँ अस प्रेस क्लब के अगर पैं सहाफी दोस्त के अगर कलम धड़न के अगर या दाह खी आया तो ऐवान इकतदार तीन दाह पहुँचाई वे तो असें रेगुलर किया वे साई मुतालबो असो यो है सिंध यूनिवर्सिटी उस्ताद जो 2010 में टेस्ट पास किया उन्होंने अं ती रेगुलर न किया ऑफिस में जो रोज अस चक्कर कटाया था वन इं टे चार दफा अस ए सी आर भी वी वो बगैर कें आर एस यू की हेड ऑफिस के पहुँचाने के लिए पैं ऑफिस में रखी उन्होंने कें कुंड पासे में कर छा उन अलावा 9 साल की प्रमोशन जो एक तरीकेकार हों कानून जो 9 साल कें भी मुलाजिमन के थे तो उनके अपग्रेड किया वे आई बी ए उस्ताद 2008 का वही अपॉइंटमेंट है 2017 अची हुआ उन्होंने का प्रमोशन न दिनी है 9 स्किल की अपॉइंटमेंट आ तो वह अं ती 9 स्किल में गुजारन पाया अलावा सिंध यूनिवर्सिटी के उस्ताद अं कॉन्ट्रैक्ट वाली हालत में उन्होंने के रेगुलर नथो कयो वे असि बार अमलदारन का सेक्रेटरी तैलीम का वजीर तैलीम का मोहतरमा फरियाल टालपुर का या पुरजोर अपील था क्यों तो सिंध यूनिवर्सिटी उस्ताद के रेगुलर कयो वे एन टी एस आई बी ए सिंध यूनिवर्सिटी उस्ताद के अपग्रेड कर प्रमोशन दिनों वे मुतालबो है अस सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट पास 2010 में थियासी वक्त 7 साल है 7 साल होंदे असें तो वे तो तुम कॉन्डेट है हाँ जाहिर है मूल कॉन्डेट 7 साल का ड्यूटी करे तो जहनी तौर पर बेचून मैं बेसकून हों असा नंढा बार अस पा बचले हल असो है तो बेरोजगार तो नो कहे पर असें तो हक भी को दिना वन एज पर रूल जी पाकिस्तान में या चार ही सूबा जी पंजाब में किथे सिंध यूनिवर्सिटी पास उस्ताद पक्का भी थी पर असेंगे जो है तो चे तो जिथे भी कम में वनू था डीओ ऑफिस में वनू था या कें भी कमल है टेजी में वनू था असेंगे यो चे तो वे तो बबा तुम कॉन्डेट है तुम मसलो तुम ना है तक न एन ओ सी दिनी थी वे न वे असो जीपी फंड कटे तो वे वे असा का सब ड्यूटी वी थी वन जे माना लगन था एमरजेंसी या जी आदमशुमारी है या कोई पोलियो है या कड़ो खोर ड्यूटी हैं जो असा वरती थी अस सब ड्यूटी पैदा क्यों अस बदली नी कई वे जारी तो उस्ताद है जिसे 7 साल रहे 10 साल रहे उनका कें मसला हूँ कें क्राइसिस हूँ कई शन थी तो मेहरबानी करे असेंगे जो है जी तक गवर्नमेंट बिहार मुलाजिम उनके रेगुलर किया वे उनकी बदली जिते वो चाहे या उनके वेझो किया वे तो असें बच्चन की सुकून से रोजी क्यों सब पढ़ाईदड़ रेगुलर उस्ताद आयो असम को भी घोसलो उस्ताद को असि मिनिस्टर एजुकेशन बिलाल भुट्टो जरदारी सी एम सिंध ए सेक्रेटरी एजुकेशन का यो रिक्वेस्ट है तो मेहरबानी खुदारा असी तो सिंध जहाँ असी सिंध या गरीब आवाम आयो जर तक रहम अचे तो असें 7 साल गुजरे अंजा तक रेगुलर छो न किया तो वे सिंध सूबो वाहिद सूबो है जिथे माना उस्ताद के उन हक दिना ना वन छोजो बेन सूबन में उन्होंने उस्ताद के उन हक दिना था वन उन्हें चवण का पैं
लेकिन असांखे 6 साल 10 महीना थी चुका आहिनि असांखे कन्फर्म न कयो आहे। हालांकि असांजे ऑर्डर में जेको आहे त हिननि खे 3 साल खां पोइ हिननि खे पको कयो वेंदो, जॾहिं त सिंध असेंबली मां 2 दफ़ा बिल पास थी चुको आहे त हिननि खे कन्फर्म कयो वञे, रेगुलर कयो वञे। ठीकु आहे, हालांकि मन मसिलो इहो आहे असांखे जेसिताईं रेगुलर नथो कयो वञे त असांजा दोस्त जेके के डेथ बि करे विया आहिनि उन्हनि खे इंश्योरेंस वग़ैरह हिननि जो मन का शइ पोयां नथी मिले, या के दोस्त अहिड़ा आहिनि उस्ताद जेके मन जिन खे लोन जी ज़रूरत आहे उन्हनि खे गोर्मेंट जूं नेशनल बैंकूं या ॿियूं उहे बि लोन त नथियूं ॾियनि, लेकिन जेके प्राइवेट बैंकूं आहिनि उहे बि लोन नथियूं ॾियनि, चवंदियूं तव्हांजे जेको ऑर्डर हिन में स्लिप में जेको लिखियलु आहे तव्हां जेको पंहिंजो अञा कन्फर्म न आयो ऐं तव्हांजे में कॉन्टेड आहे। असां जेको तइलीम वारे वज़ीर खां, तइलीम जे सेक्रेटरी खां, अदी फरियाल टालपुर खां, आसिफ अली ज़रदारी साहिब खां असां हिन खे अपील था कयूं त असां उस्तादनि खे जेको पंहिंजो सिंध यूनिवर्सिटी टीचर्स खे जेको पंहिंजो ऐं आई बी ए वारनि खे हिननि खे रेगुलर कयो वञे त जीअं असां पंहिंजो सुहिणे नमूने सां पंहिंजो सर असां भाई आहियूं मेरिट ते ई आहियूं सिंध यूनिवर्सिटी 2010 में जेमहिल टेस्ट पास कईसीं। ठीकु आहे, उन खां पोइ असांखे 3 सालनि जो मुदो हुयो, तव्हां 3 साल तव्हां कॉन्ट्रेक्ट कयो, उन ब्या हफ़्ते जेको आहे तव्हांखे रेगुलर कयो वेंदो। 3 साल खां 7 साल आहे न असांखे रेगुलर कयो थो वञे, न असांखे जेको ॿियूं इंक्रीमेंटूं ॿियूं सहूलियतूं मिलनि थियूं, उन खां अलावा न असांजी ट्रांसफ़र थिए थी, असां ट्रांसफ़र करायूं था चवनि था तव्हांजो सिंध यूनिवर्सिटी वारनि ते बैन आहे, उन नथा थी सघनि। सो जेकॾहिं को सहूलियत सां करे थो त ट्रांसफ़र नथी थी सघे, इहे सभु असांजा मुतालबा आहिनि, महिरबानी करे क़बूल कयो। रहमान रहीम, ही असां जूनियर टीचर्स आहियूं जेके तक़रीबन आई बी ए सिंध यूनिवर्सिटी ऐं एन डी ज़रिए टेस्ट ज़रिए पास थियूं। असांजा जेके मुतालबा आहिनि, असांजी कोशिशि आहे जीअं हिकिड़ो क्लार्क जेको 5 स्केल में खां 14 स्केल ताईं पहुचे थो, लेकिन मेरिट ते जेके टीचर आहिनि जेके 9 स्केल में ऐं तक़रीबन हाई क्वालिफाइड बी एस या एम एस वग़ैरह यूनिवर्सिटी जा पढ़ियल एजुकेट इंजीनियरिंग सां वास्तो रखंदड़ आहिनि, त असांजी जेका ख़ासि जेका डिमांड आहे त जेके सिंध यूनिवर्सिटी वारा जेके मोस्ट रेगुलर आहिनि या आई बी ए या एन टी एस वारा आहिनि त उन्हनि खे जेको मुस्तक़िल कयो वञे ऐं उन सां जेके बि मुरायतूं जेके हिकु मुस्तक़िल मुलाज़िम जे लाइ आहिनि उहे सभु ॾिनी वञनि। हाणे काफ़ी मिसाल आई बी ए वारा जेके असांजा दोस्त 9 साल खां कमु करे रहिया आहिनि, लेकिन 9 साल खां कमु करण जे बावजूद बि उहे ज़हनी तौर ते मुतमिन आहिनि ऐं जेकॾहिं अला न करे को अहिड़ा मसला उन्हनि सां थियनि था जीअं डेथ वग़ैरह थी वञे त उहे सम्झी ईअं सम्झो त जीअं हिकु प्राइवेट इदारे में बि वारे खे बि कुझु मिलंदो आहे, लेकिन गवर्नमेंट वारनि खे उहे सभु सहूलियतूं जेके नथियूं मिलनि। असां सभु जेके आहिनि आई बी ए सिंध यूनिवर्सिटी ऐं एन टी एस वारा सभई मुतहिद आहियूं। असांजी जेका आहे सिंध गवर्नमेंट खे स्पेशली बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेको चेयरमैन आहे पीपल्स पार्टी उनखे हिकिड़ी निमाणी गुज़ारिश त महिरबानी करे असां जेके टीचर्स जा जेके मुतालबा आहिनि ख़ासि तौर ते जेके असां आई बी ए एन टी एस ऐं सिंध यूनिवर्सिटी वारा आहियूं त उन जा जेके बि जाइज़ मुतालबा आहिनि ख़ासि करे कन्फर्मेशन वारो जेको मसिलो आहे या ॿिया जेके मसिला आहिनि जल्द खां जल्द हल कया वञनि, न त ऑल ओवर सिंध जे हवाले सां असांजी हिकिड़ी अलॻि हिकिड़ी तनज़ीम जे हवाले सां बि असां चऊं था अलॻि जूनियर जेके या नौजवान जेके उस्ताद आहिनि उन जी तनज़ीम ठाहे करे ऑल ओवर सिंध में हिकु नई हिकमत अमली सां असां पंहिंजो जेको आहे एतिजाज़ उधारो वधाईंदासीं ऐं इन एतिजाज़ खे ऑल ओवर सिंध ताईं फैलायो वेंदो इनशाला। थैंक यू। 2010 में मेरठ ते भर्ती थियल हिन उस्तादनि जो हिकु ई मुतालबो आहे त सिंध असेंबली में पास कयल ठहराउ ऐं कानून मूजिबि खेनि मुस्तक़िल कयो वञे। कैमरामैन मोहसिन अली पीरज़ादे सां गॾु फिदा हुसैन चांडियो, आवाज़ टी वी, नवाबशाह।